हे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द नाइट हाउस। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में आपको इसकी स्टोरी बताऊँगी जिससे हमारी वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी। तो चलिए फिर देर न करते हुए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको मूवी के मेन करेक्टर पैथ से मिलवाती हूँ और आप इन दोनों को याद रखिएगा। मूवी मोस्टली तीन लोगों के आसपास घूमती है जिसमें एक पैथ का पड़ोसी होता है और एक पैथ की फ्रेंड होती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये बेथ है जो कि बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है क्योंकि इसके हस्बैंड ने खुद को शूट करके सुसाइड कर लिया था। तो इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है और रातों को उसको याद करती है। तो दोस्तों, कहानी इसी के आसपास घूमती है। बेथ अपने हस्बैंड को बहुत लव करती थी तो इस वजह से वो उसे याद भी बहुत किया करती थी। अब यहाँ से स्टोरी का प्लॉट रिवील होता है कि उसको हेलुसिनेशन होते रहते हैं, उसको लगता है कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है। बहुत सारी इसी तरह की घटनाएं उसके साथ घटती हैं जिससे कि वो काफ़ी परेशान रहती है। अब मूवी थोड़ी आगे बढ़ती है जहाँ हम देख पाते हैं कि बेथ जो है वो एक प्रोफेशनल टीचर है और आज वो अपने कॉलेज गई है। वहीं एक बच्चे की मदर, यानी कि उसके स्टूडेंट की एक मदर उसके पास आती है और कुछ शिकायत करने लगती है जिससे बेथ की कुछ झड़प हो जाती है हल्की फुल्की और वो वहाँ से चली जाती है। मूवी के इसी सीन में हमें पता चलता है कि बेथ के हस्बैंड ने सुसाइड किया है, वो भी खुद को शूट करके, जिस पे बच्चे की मदर काफ़ी माफ़ी मांगती है और चली जाती है। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेथ अपने हस्बैंड की पुरानी डायरीज देख रही है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसका हस्बैंड ने सुसाइड क्यों किया, आखिर क्या वजह थी। तो वो डायरी में देखती है, उसे कुछ मिरर लाइक रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें मिलती हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। सो एनीवे, वो मूव ऑन करती है और जाके सो जाती है। गहरी नींद से वो उठती है जब उसके घर में रखा हुआ एक टेप बहुत ज़ोर से बजने लगता है और उसको ओवन का मैसेज भी आता है, उसमें लिखा होता है कम डाउन। वो घबरा जाती है कि ओवन तो मर चुका है तो फिर मैसेज कौन कर रहा है। दोस्तों, बेथ नीचे आती है और वो देखती है जहाँ लेक हाउस में उसकी लेक है वहाँ पर उसका हस्बैंड यानी कि ओवन खड़ा है और वो भी नेकेड। वो समझती नहीं है और घबरा जाती है और उठकर देखती है तो देखती है कि वो सपना देख रही थी, ये कोई सच नहीं था। उसके बाद वो अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक करती है जिसमें रात उसको मैसेज आया था लेकिन उसको कुछ भी मिल नहीं पाता है। खैर, वो आगे बढ़ती है। मोबाइल चेक करते हुए उसे कई सारी लड़कियों की पिक्चर्स मिलती है जिससे कि सबको ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड उससे चीट कर रहा था। हमें भी एक बार रिवर्स को ऐसा ही लगता है कि वो चीट कर रहा था। खैर, अब ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। बेथ जाती है अपनी दोस्त के पास और उससे डिस्कशन करती है लेकिन वो भी मूव ऑन करने को कहती है और कहती है उस घर से थोड़ा सा ब्रेक ले लो और तुम्हें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। और दोस्तों, बेथ बहुत बड़ी पियक्कड़ होती है। यहाँ वो पीकर बैठी होती है और अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है जहाँ वो उसको बताती है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई हैं, जैसे कि वो जब 17 साल की थी तो उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके दोनों फेफड़े फूल गए थे और उसके बाद उसकी 4 मिनट तक सांसें भी बंद हो गई थी जिसकी वजह से वो लगभग मरी गई थी और वो मौत के मुँह से वापस आई थी। और ये कहते कहते बेथ सो जाती है। अचानक से उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो कि चिल्लाती हुई आती हैं और भागती हुई लेक में कूद जाती हैं जहां पर बेथ के चेक करने के बाद भी वहां कुछ नहीं होता। बेथ बहुत घबरा जाती है। वही चेक करते हुए बेथ को लेक के दूसरी तरफ यानी कि अपोजिट में एक और घर दिखाई देता है जो कि उसके घर के जैसा हो रहा होता है। अब वो नीचे की तरफ आती है जहां पर बोट होती है लेक के पास, वहां पर उसके हस्बैंड के फुटप्रिंट मिलते हैं और वो फील करती है कि वहां उसका हस्बैंड है और ये फील करके वो बेहोश हो जाती है। अब वो नेक्स्ट सीन में देखती है कि बिल्कुल एक ऐसा घर है जो कि उसके घर के जैसा है जहाँ पे उसका हस्बैंड कई तरह की अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। अब वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वो सामने ही बैठी है। वो समझ जाती है कि ये उसका हेलुसिनेशन नहीं है, कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। अब वे सब कुछ जाने की और सिटी में जंगल की दूसरी तरफ जाती है जहाँ उसने लेक के अपोजिट में वो घर देखा था जहाँ पे वो बेहोश होकर गई थी। वहाँ पर उसको एक डॉल मिलती है जिससे हमें एहसास होता है कि काला जादू भी इस मूवी में दिखाया जा रहा है। वे समझ जाती है कि उसका हस्बैंड कुछ तो बहुत गलत कर रहा था और वो काले जादू में विश्वास रखता था। अब के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पर पड़ोसी बताता है कि उसने बस उसके पति को एक बार किसी और लड़की के साथ उस घर में देखा था। अब बेथ घर में तलाशी लेती है तो उसे 2 बुक्स मिलती हैं जो कि एक काले जादू की थी और एक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थी कि रिफ्लेक्टेड चीज़ें कैसे बनाई जाएं तो ही चीज़ें एक जैसी। तो यहाँ हम आपको बता दें दोस्त कि बेथ का हस्बैंड मौत को चकमा देना चाह रहा था जो कि बेथ के पीछे पड़ी थी। एनीवे, अब तक हम सभी को यह लग रहा होता है कि बेथ का हस्बैंड यानी कि ओवेन बहुत ही बुरा इंसान था। एनीवे, अब बेथ को घर में जगह जगह अजीबोगरीब एंटिटी के होने का एहसास होता है। अब बेथ एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे वो उस लड़की को देखती है जिसका फोटो उसने अपने हस्बैंड के मोबाइल में देखा था और वो उससे जानने की कोशिश करती है कि वो उसके हस्बैंड को कैसे जानती है, उन दोनों का क्या रिलेशन था, जिसमें लड़की घबरा जाती है और कोई जवाब नहीं देती। बेथ निराश होकर वापस आ जाती है।
अब्बेत अपनी दोस्त यानी कि चार्ली के पास पहुंचती है, जो कि उसे सलाह देती है कि बे तुम ठीक नहीं हो, तुम कुछ दिन के लिए मेरे घर पे आके रहो, उस वाले हाउस को छोड़ दो, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बे जब आने की तैयारी कर रही होती है तो उसे वही लाइब्रेरी वाली लड़की मिलती है जो कि उसके हस्बैंड की तारीफ कर रही होती है और उसके बारे में बताती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता था, वो तुम्हें बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकता था। बे समझ नहीं पाती है कि आखिरकार चल क्या रहा था। प्रेशर में आके बहुत ज्यादा बे ड्रिंक कर लेती है और बहुत ज्यादा नशे में वो उसी लेक वाले हाउस के पास पहुंचती है, जहाँ पे जाके वो अपने पति की आत्मा को बुलाती है, लेकिन वो निराश हो जाती है, उसे कोई नहीं मिलता। खैर वो जाने लगती है तो एक गले हुए लकड़ी के पाए पर उसका पैर पड़ता है, जहाँ वो टूट जाता है और उसका पैर अंदर जाता है तो वो क्या देखती है यार, वो घबरा जाती है। वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी थी, वो उन्हीं लोगों की लाशें थीं जो कि बेत की तरह दिखती थी। अब बेत बहुत घबरा जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि उसका हस्बैंड ऐसी हरकत कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो घर जाती है, जहाँ उसके साथ एक अजीब सी घटना होती है। उसे मिरर पर लिखा हुआ दिखाई देता है हेयर। वो आगे जाती है और उसे फील होता है कि उसका हस्बैंड है जो उसके पास है और वो उसको गले लगाती है। उसे एहसास होता है उसके कान में उसी टाइम पे कुछ विस्पर होता है और वो झटके से अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। बेत घबरा के बाथरूम के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप बंद हो जाता है। अब बेत मिरर में देखती है कि उसका हस्बैंड दिखाई देता है जो कि उसके जैसी एक लड़की को मार रहा होता है। सेम वही वो भी फील करती है, बेत भी साथ साथ वही चोट तकलीफ फील कर रही होती है। उसके साथ ही दरवाज़ा खुल जाता है, बेत बाहर आती है। वो देखती है कि एक रूम में उसका हस्बैंड और वो सारी आत्माएँ जो कि उसकी ऐसी दिखती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और वो एंटिटी जो कि बेत को अक्सर दिखाई देती थी वो भी वहीं पर कहीं ना कहीं उसको दिखाई देती है। बेत को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वो अपने हस्बैंड की गोद में लेटी है और उसके हस्बैंड के कान में कुछ विस्पर होता है, जिससे वो बेत का गला दबाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं दबा पाता और नाकाम हो जाता है। बेत ये सब देख रही होती है, बेत देखती है उस एंटिटी को, वो एंटिटी से पूछती है कि कौन हो तुम, तो एंटिटी कहता है नथिंग। अब खुलते हैं असली पत्ते, अब हमें समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है। असल में ये नथिंग और कुछ नहीं, ये वही होती है डेथ, जो कि बेत को बहुत दिन से लेना चाहती है, वो भी जब से जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब भी मौत उसके पास ही थी और वो उसको ले जाना चाहती थी लेकिन ले नहीं जा पाती है। उसी दिन से डेथ उसका इंतज़ार कर रही है ताकि वो उसकी सोल को अपने साथ ले जा सके, पर हर बार नाकाम हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड यानी कि बेत का हस्बैंड हर बार उसको मौत को चीट कर देता है। इस बात से परेशान थी और यही वजह थी कि उसका हस्बैंड यानी कि ओवेन जो तरह तरह की लड़कियों को लाता था वो देखने में बेत जैसी होती थी। अब डेथ बैत को अपने काबू में कर लेती है, उसकी सोल को बंदी बना लेती है और बैत को हेलुसिनेशन के थ्रू अपने आप को गोली मारने के लिए ख़त्म करने के लिए कहती है, क्योंकि डेथ बैत के पास ओवेन के रूप में आती है जिससे कि बैत खुद को ख़त्म कर ले। अब वो उस डायमेंशन में थी जहां वो ना तो जिंदा थी और ना ही मुर्दा और उसका ओरिजिनल वर्ल्ड से ताल्लुक ख़त्म हो गया था। वो कहीं बीच में किसी डायमेंशन में फंसी हुई थी। यहीं उसको उसकी दोस्त की आवाज़ आती है जो कि बहुत धीरे हो रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त वहाँ पर तैर कर आती है और उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देती है और जाकर बेत को बचा लेती है। और मूवी यहीं पर दोस्तों लास्ट होती है। हम देखते हैं लास्ट में बेत और उसके पड़ोसी को बोर्ड के ऊपर वही नथिंग का शेडो दिखाई देता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नथिंग कौन था। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये वाली मूवी यानी द नाइट हाउस ये 2020 में बनी थी और 2021 में रिलीज़ की गई। दोस्तों मेरी मानिए मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है 2021 की, एक बार इसको देखिएगा ज़रूर, आपको गूज बम्स ना आए तो कहना। दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत हाई है और साल दर साल हाई होती जा रही है, तो मेरी मानिएगा इसको एक बार ज़रूर देखिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हिस्ट्री।